अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अभी जाने वाले हैं ब्रेकफास्ट पर। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट किस हिसाब से मिलता है यहाँ पर। वैसे रात के खाने में तो कुछ मज़ा नहीं आया था, अब ब्रेकफास्ट कैसे मिलता है ठीक है वो देखते हैं। अभी का खाना है पूरी सब्जी और ये पोहा है, इसके बाद में ब्रेड बटर भी है। अभी ये जब साहब ठूस रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद में मेरे से उन्होंने बोला कि आप फीडबैक दीजिए सर यू, तो मैंने उनको क्या बोला बताए। नॉनसेंस। और अभी हम यहाँ से तनोट माता के मंदिर के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से लगभग तनोट माता का मंदिर 120 किलोमीटर है, तो देखते हैं सफर कैसा रहता आगे। कुछ परमिशन लेनी पड़ती है या सीधा जा सकते हैं क्योंकि वो बॉर्डर के आसपास में। अभी आ गए अपना, बोलते हैं इसको भारतमाला हाईवे कुछ बोल रहे थे मेरे को, तो वही है ये, एकदम जबरदस्त रोड है। इसके बारे में मैंने सुना है कि यहाँ पे आपकी टॉप स्पीड टेस्ट हो सकती है, तो आप अगर स्पीड टेस्ट करना तो जैसलमेर जरूर आइए, जबरदस्त रोड है ये। लेकिन इतना ध्यान रखिए रास्ते में बकरे वगैरह भी आ सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि हमने एकदम स्पीड से चलाई तो प्रॉब्लम ये हुआ कि इसकी रेंज धीरे धीरे कम होने लग गई। रेंज कम होकर लगभग 225 किलोमीटर हो गई, 225 किलोमीटर, और अभी लगभग 60 से 70 किलोमीटर तो हमको जाना है। तो मैंने कहा अब ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई, तो अब मुझे थोड़ा सूझा कि अब पेट्रोल पंप आगे मिलेगा तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत ही बड़ी मतलब इस रेगिस्तान में हम कहाँ ढूंढने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, एक थोड़ा दिमाग दौड़ा है, मैंने क्या किया कि इसको क्रूज पे रख दिया है। तब क्रूज पे मैंने लगभग इसकी 85 की स्पीड रख दी है। देखिए आप क्रूज पे इसकी कितनी एवरेज आ रही है, लगभग मैं 5-6 किलोमीटर से इसको क्रूज पे चला रहा हूँ, तो ये आपको एक गाइड करेगा, ये बाद में आपके भी काम आएगा कि क्रूज पे आपको एक्सयूवी कितना एवरेज देगी, आप ज्यादा उसको दौड़ाओगे तो आपको कितना एवरेज देगी, तो सब तरह से आप इसको बेटर समझ पाओगे ठीक है। तो ये अभी आपको पता चलेगा कि कितना एवरेज देती है कितना नहीं देती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो मेरी गाड़ी अभी 84 की स्पीड पे है और 85 मैंने क्रूज सेट करा हुआ है, तो ये लगभग एवरेज दे रही है 24.60 का, बराबर 25 का एवरेज दे रही है ठीक है। तो अगर आप क्रूज पे रखते हो तो 20-22 के आसपास भी एवरेज दे सकती है। अब देखता हूँ कि ये तो 5-6 किलोमीटर है, उसका एक समरी आया है, अब देखते हैं कि अगर आगे कितना आता है, आगे ज्यादा अगर 50-60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर उसको चलेंगे तो कितना आता है, तो वो बाद में पता चल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कितने किलोमीटर चली। मैंने ट्रिप भी सेट कर दिया कितने किलोमीटर चली, इतना एवरेज दिया, तो आपको भी पता चलेगा, आपको भी गाइड करेगा ठीक है। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, आपके भी जर्नी में कभी काम आएगा ठीक है। अगर और भगवान से प्रार्थना करो कि हमको पेट्रोल पंप मिल जाए, नहीं तो फिर धक्के मुक्की करके जाना है घर पे। 185 ने रेंज थे कि इतनी बिना जगह आई हुई सला भी पास 200 की रेंज थी, ये समझो तो जाती हुई रणी स्पीड देखी जो गए तो ठीक है ना, तो गुआरा थे करे जो। अभी लगभग तनोट माता का मंदिर है ये लगभग 26 किलोमीटर दूर है, अभी दिखा रहा मैप में 26 किलोमीटर, और अपनी गाड़ी 85 पे हम क्रूज करा रहे हैं। और ये लगभग जब मैंने स्टार्ट किया था ये क्रूज, मैंने आपको पूरा स्टोरी बताया, तो जब क्रूज मैंने स्टार्ट किया तब वन गाड़ी का जो रेंज था वो 182 बता रहा था, अभी मेरी गाड़ी 22.6 का एवरेज दे रही है और ये 284 की रेंज आ रही है,
और 284 की रेंज बढ़ती ही जा रही है, ऐसा नहीं कि रेंज धीरे 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 इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही। तो हमको ये फायदा होता है कि अगर हम गाड़ी स्लो चलाते हैं तो हमको कितना एवरेज मिलता है। और ये सबसे बड़ी क्या है कि जैसे हम व्लॉगर वगैरह जैसे होते हैं तो उनके लिए ये सब ट्रिप मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। अभी जैसे ऐसा नहीं कि एडास है तो हम एडास के भरोसे, अभी एक ये शार्प टर्न आ रहा है तो थोड़ा हम एडास की भी हेल्प कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा स्टेयरिंग हाथ में रखना, ऐसा नहीं कि हम दोनों हाथ बांध दिए और गाड़ी को भरोसे पे छोड़ दिया कि नहीं तू चला तेरे हिसाब से, ऐसा नहीं, ठीक है ना। अभी लगभग ये 22.7 की एवरेज आपके सामने है। और दूसरी चीज क्या है, ये पूरी हमारा ट्रिप अभी तक 830 किलोमीटर चला है, ठीक है, और ये 64 की एवरेज स्पीड से चली है, समझ लो आप, उसमें 150 चलाई होगी, 160, 70, 80, 90 जो भी है। और अभी जो मेरा ट्रिप बी है, सॉरी ट्रिप ए रखा है मैंने, अभी जो स्टार्ट किया है, ये लगभग 47 किलोमीटर चली जब से क्रूज लगाया मैंने 85-82 पे। अभी देखो 82 की बता रहा है और लगभग आधा घंटा हो गया है, ठीक है। तो ना मुझे कुछ करने की जरूरत है, गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से ब्रेक मार रही है सब कुछ। हाँ थोड़ी बहुत मैं जहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ, बीच में एक बकरी आ गई थी, शायद गाड़ी को दिखी नहीं है या बाद में ब्रेक मार भी लेती, लेकिन मुझे गाड़ी पे ट्रस्ट नहीं हुआ तो मैंने अपने हिसाब से ब्रेक कर दी और थोड़ी गाड़ी मैंने, और एक शार्प टर्न भी आया था तो वहां पे भी मैंने अपने हिसाब से टर्न काट लिया। एडास जो है वो एक्चुअल में ड्राइविंग को सिंप्लीफाई करने के लिए है कि भाई आपको एक हेल्प करे, हेल्पफुल रहे आपकी ड्राइविंग में, आपको कम थकान दे, तो उसके लिए। बाकी ऐसा नहीं कि आप एडास के भरोसे गाड़ी छोड़ दी, नहीं। कल मुझे इस चीज का मैंने एक टेस्ट किया था तो एक बार क्या, मेरी गाड़ी लगभग लेन से नीचे भी जा रही थी, समझ गए ना। तो वो आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने भरोसे छोड़ दिया सिर्फ, ठीक है। अभी शायद कुछ अवरोध आए हैं। अभी देखो लगभग 49 किलोमीटर चल गई है और अभी अपनी एवरेज दे रही है, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये अभी अपनी एवरेज है 22.6 की एवरेज है। और देखो अभी मैंने 284 बताया था, अभी 292 की होगी रेंज, ठीक है। तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप कहीं, अभी ये मेरे साथ में जो प्रेमांशु, उसने देखा, अभी पहले नेट नहीं आ रहा था, नेट पे देखा कि एक तनोट में पेट्रोल पंप है, तो हमको तो ऐसा, हम भाई पहली बार आए यहाँ पर तनोट में, तो हमको तो ऐसा कि अगर पेट्रोल पंप नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा हमारे लिए हेल्पफुल रहा ये कि भाई हमने अगर कम स्पीड में चलाया तो ये हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहा। देखिए ये तनोट माता का मंदिर आ चुका है, अभी 22.5 की एवरेज बता रही है और 281 किलोमीटर की रेंज बता रही है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं अब क्या बताती। सही में जब ये 181 किलोमीटर का बता रहा था हम, तब लगभग 80 किलोमीटर तक तो बाकी था, ये 70-80 किलोमीटर ये तनोट माता का मंदिर वहाँ से बाकी था, और नेट भी नहीं आ रहा था, तो फिर नियर बाय पेट्रोल भी सर्च नहीं कर सके, पेट्रोल पंप कहाँ है करके, तो वो भी प्रॉब्लम हो गई। फिर हमने सोचा कब करना क्या रहा, तो मेरे फिर दिमाग में आया कि अब 181 किलोमीटर की रेंज और 70-80 किलोमीटर, ये मतलब 100 किलोमीटर मेरे पास में बचता, ठीक है ना। अब 100 किलोमीटर में जाना, यानी जाना हमको 150 किलोमीटर है, तो कैसे जाना, अब धक्का मारने की नौबत आ जाए, अब इतना धक्का भी कैसे मारे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। हमने सोचा कि भाई इसको क्रूज़ पे कर लें, तो क्रूज़ पे करा तो इतना बेनिफिशियरी रहा वो हमारे लिए, इतना ज़बरदस्त रहा कि अभी लगभग 22.5 की इसने एवरेज निकाली है, अभी एवरेज इसकी 22.5 की, फिर आगे देखते हैं कितनी एवरेज देती है। तो ये जो भी हैं जिसके पास में XUV700 हो, तो ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है, क्या देती है और कौन सी कंडीशन में आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर आगे देखते हैं, अभी तनोट माता का मंदिर आ चुका है तो वहाँ पर दर्शन कर लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं और फिर आपके लिए बताते हैं। We'll be right back.